हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीमोस। व्हाट इज सीमोस? इससे पहले भी हमने देखा था व्हाट इज वायोस, वायोस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सीमोस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो बनते ही हैं इससे, पर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि हमारी पूरी फुल डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या डिफरेंट बिटवीन बायोस और सीमोस। तो हम क्या करेंगे, सीमोस की ये डेफिनेशन लिखेंगे और जो हमने बायोस की पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, डिफरेंट बिटवीन बायोस और सीमोस। ठीक है, तो आज हम सिर्फ सीमोस पढ़ेंगे। बायोस वाली अगर आप पहले वीडियो देख सकते हैं, पहले मैं बना चुका हूँ वो वीडियो। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ओ लेवल में हमारी आईसीटी की सीरीज चल रही है। आईसीटी जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आप आईटी टूल्स और इंटरनेट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा चैनल की, उसमें आईटी टूल्स और इंटरनेट की प्ले लिस्ट में जाकर आप बेसिक से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। एचटीएमएल बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई, अगर नहीं पढ़ रही है आज तक अपना एचटीएमएल तो आप बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। सीमोस स्टार्ट करते हैं। सीमोस का क्या होता है, पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है एंड प्रोनाउंस्ड सीमोस। ठीक है, सीमोस बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे समझो, सीमोस का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सबसे पहले एग्जामिनर को हम बताते हैं उसका नाम, जो भी शॉर्ट डेफिनेशन लिखी होती है उसका नाम क्या बताते हैं, जो भी उसका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं उसके बारे में कुछ, जैसे सीमोस बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला सेमीकंडक्टर है। क्या बताया मैंने, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये शॉर्ट डेफिनेशन बनती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्या, सीमोस बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये याद रखना, सेमीकंडक्टर किससे रिलेटेड है, सीमोस से। ऐसे याद करेंगे तो आप जब शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो आप सीमोस को सीधे रिलेटेड कर पाएंगे सेमीकंडक्टर से। ठीक है, सीमोस चिप को कम पावर की ज़रूरत होती है और सीमोस कंप्यूटर्स बोर्ड पर बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप होती है। सीमोस चिप को क्या होती है, कम पावर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पावर की इसे ज़रूरत नहीं होती है। सीमोस कंप्यूटर बोर्ड पर बैटरी पावर सेमीकंडक्टर चिप होती है। कंप्यूटर बोर्ड पर क्या होती है, बैटरी पावर सेमीकंडक्टर चिप होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है, जो कि करती है इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर करके रखती है। यह सिस्टम टाइम डेट से लेकर कंप्यूटर की सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग तक हो सकती है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। अगर सीमोस बैटरी फेल हो जाती है तो सिस्टम सेटिंग डेट टाइम सेव नहीं होती है। टाइम तक कंप्यूटर अगर ऑफ रहता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, कंप्यूटर अगर ऑफ रहेगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। फिर से पढ़ाता हूँ, जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर चिप होगी वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगी। सिस्टम टाइम डेट से लेकर क्या, सिस्टम टाइम डेट से लेकर कंप्यूटर की सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग तक हो सकती है। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है। तो बायोस क्या करता है, इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है। जैसे अगर सीमोस बैटरी फेल हो जाती है, सीमोस की बैटरी खत्म हो जाती है, तो सिस्टम सेटिंग डेट टाइम सेव नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर अगर ऑफ रहता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। तो ये हमारा था सीमोस, जो कि अच्छी डेफिनेशन थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।